हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में। बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से ब्लॉग पोस्ट कर पाई। एक्चुअली बहुत ही हेल्थ मतलब थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज चल रही थी तो बहुत दिन हो गए थे, तो करना तो था ही एडिटिंग पोस्ट वगैरह, और रिकॉर्ड की हुई थी तो मैंने सोचा कि डाल देते। तो इतने दिनों बाद मुझे आज मौका मिला है तो मैंने आज डाला है। तो ये जो ब्लॉग है ये देख कर आपको पता चल ही गया होगा, एक्चुअली ये वीकडेज़ की है और बच्चे की टिफ़िन की तैयारी की जा रही है। तो आज मैं टिफ़िन में आप ही गेस कीजिए और बताइए क्या मैं बना रही हूँ। आगे देखते जाइए आप व्लॉग में। Just wish she knew that's just like you. I miss your eyes, I need you, I want you, what I said. तो इस तरह से जो है मैंने सारी सब्जियों को काट लिया। सब्जियों में मैंने कैप्सिकम, कैरेट, क्यूकम्बर, ग्रीन चिली और थोड़ी सी धनिया पत्ती, कोरिएंडर लीव्स, उसको अभी मैं नहीं काटूंगी, थोड़ी देर बाद जब सारी सब्जियां कट जाएंगी फिर मैं उसको काटूंगी। तो पहले से कोरिएंडर लीव्स को काट के रखने से ना काली पड़ जाती हैं, तो इसी वजह से। एक्चुअली मैं चॉपर में चॉप कर भी सकती थी, लेकिन आज मन हो रहा था कि मैं हाथों से ही जो है सारी सब्जियों को काटूं, क्योंकि बीच बीच में चेक करना भी ज़रूरी होता है कि हाथों की स्पीड है भी कि नहीं है, कि चली गई। तो ये है बटर और ये चीज़ है, तो दोनों मिलाकर ही मैं बनाऊँगी। देखते हैं, चीज़ मैं नहीं भी डाल सकती हूँ, मेरे मूड के ऊपर है। अगर टाइम रहेगा तो मैं चीज़ लगाऊंगी, वरना अगर बेटा मेरा इस बीच उठ गया तो मैं जल्दी जल्दी जैसे हो पाएगा मैं शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश करूंगी। निकाल के तो मैंने सब कुछ रखा हुआ ही है। एक्चुअली थोड़ी सी सर्दियां हैं अभी, तो मॉर्निंग के टाइम में तो थोड़ी सी ना मतलब बटर पिघलने में टाइम लग रही थी, तो एक घंटे से ऊपर हो गया था, लेकिन बटर जो है उतनी ज़्यादा नहीं पिघली थी। तो देखिए, सारी सब्जियों को मैंने एक जगह कर लिया है और कोरिएंडर लीव्स को भी डाल दिया है, और अभी मैं ये मेयोनीज जो मुझे ख़त्म करना था, एक्चुअली ये बहुत दिन हो गए थे, इसको ख़त्म ही करना था मुझे, तो इसलिए आज मेयोनीज डालकर मैं आपको पता चल ही गया होगा कि वेजिटेबल सैंडविच में बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यही ब्रेकफास्ट हम लोग भी ले लेंगे बच्चे के साथ भी, क्योंकि दो तरह के ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँ ना तो फिर लंच में टाइम लग जाता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी सारा कुछ निपटाना होता है ताकि मैं अपने काम के लिए बैठ सकूं, अपने ऑफिस वर्क के लिए बैठ सकूं, तो इसलिए थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो जाती है। तो वैसे ही मेन्यू मैं सिलेक्ट करती हूं जो कि चटपट से बन जाए, स्वादिष्ट भी हो और सारे जो है विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ मुझे एक ही खाने से मिल जाए, इसलिए सब कुछ मैं एक ही तरह का सिंपल सा खाना बनाना पसंद करती हूँ जो कि शॉर्टकट में भी हो जाए और सारे विटामिन्स भी हमें मिल जाए।
तो इस तरह से देखिए ये मेयोनीज के साथ सब्जियां अगर इस तरह से मैरिनेट करके आप बनाओगे ना तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त लगता है। बड़ों से लेके बच्चे से लेके सब कोई बहुत इंजॉय से करके खाते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपके पास चाट मसाला हो ना तो आप ज़रूर से चाट मसाला इसमें डाल देना। मेरे पास तो थी नहीं, वरना अगर रहती है तो मैं वो ज़रूर से मतलब ऐड करती हूँ। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है मैंने। सॉल्ट आपको ध्यान से डालना है क्योंकि मेयोनीज में ना ऑलरेडी सॉल्ट रहता ही है, तो ज़्यादा दे दोगे तो वो फिर टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी वजह से। तो देखिए मैंने सबसे पहले ना ब्रेड के ऊपर बटर को लगाया। बटर तो मेरी पिघली भी नहीं थी इसलिए ब्रेड का मेरा वैसा हाल हो गया था। तो अच्छे से बटर को मैंने लगा दिया है दोनों तरफ, बीच में सब्जियों को स्प्रेड कर दिया है, फिर ऊपर से मैंने ब्रेड को ऐसे लगाकर फिर अब तवे के ऊपर मैं तवे को हल्का सा गर्म कर लूँगी। गर्म हो चुका है और उसमें बटर को ऐड कर लूँगी अभी। तो देखिए मैं लगातार चेक करती जा रही हूँ ताकि जितनी जल्दी हो सके तवा मेरा जल्दी से जल्दी गर्म हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, वरना मैं लो में ही रखती हूँ। इसलिए हाई आँच में ही मैं इसको जो है ब्राउन होने तक सेक लूँगी। और सब्जियाँ कुछ ज़्यादा ख़ास पकाने की तो ज़रूरत है नहीं। वैसे तो क्यूकम्बर तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्यूकम्बर तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। ज़रा सा बस हल्का सा कैप्सिकम और कैबेज, सॉरी कैरेट और कैप्सिकम जो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस उतनी देर ही हमें पकाना रहता है। तो इस तरह से मैं सारे के सारे सैंडविचेस को इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी अब एक एक करके, और व्लॉग बहुत दिनों बाद आज आ रही है तो इसके लिए सो सॉरी। एक्चुअली मुझे ना मतलब एनर्जी नहीं मिल रही है, थोड़ी सी लो एनर्जी फील कर रही हूँ, पता नहीं क्या है। नहीं है, मैं डॉक्टर दिखाने वाली हूँ तो जो भी वो टेस्ट करने देंगे मैं कर लूँगी, और इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था मुझे व्लॉग वगैरह पोस्ट करने में। सो मैं सोच ही रही थी कि अब करूँगी, लेकिन वही है कि वो एनर्जी नहीं आ रही थी। तो होता है ना कभी कभी, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि रेगुलर के इन कामों से ना मतलब हम लोग कभी कभार मन करता है कि कुछ ना करें, ऐसे ही बैठे रहे हैं कि नहीं। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ भी अभी हो रहा है, मुझे भी मन नहीं कर रहा है कि मैं ये सब करूं एक्चुअली, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत डिले हो गई है। That's just like you. I miss your eyes. I need you. I want you. I know life here.
तो देख सकते हैं मैं ब्रेकफास्ट भी बनाए जा रही हूँ और इधर मेरा बेटा भी उठ चुका है, स्कूल का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो एक दो जो है सैंडविच मैंने उसको दिया खाने को, लेकिन यही है कि वो जल्दी उठता नहीं है कि वो आराम से खा सके और हड़बड़ी में वो खा नहीं पाता, तो थोड़ा बहुत उसने लिया है और बाकी का मैंने टिफ़िन में जो है डाल दिया है। और उसकी फेवरेट है तो वो टिफ़िन फिनिश करके ही आएगा, वरना तो वो ज़्यादातर मतलब बिस्किट्स वगैरह ही लेके जाता है। 3 घंटे की स्कूल होती है उसकी, तो 10 से 10:30 बजे के बीच में उसको जो है खाने टिफ़िन का ब्रेक दिया जाता है, तो उसी बीच वो खा लेता है। तो वही है, अभी मैं अभी चाय चढ़ा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं चाय देखकर एक थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो वैसे तो सुबह सुबह खाली पेट में मैं चाय नहीं लेती, लेकिन हाँ चाय मतलब मॉर्निंग में जैसे फ्रेश फ्रेश हो लिया ना, उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत ले लेती हूँ, उसके आधे घंटे 1 घंटे के बाद ही मैं चाय लेती हूँ। चाय के साथ बिस्किट मैं ज़रूर से लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय पीना भी नहीं चाहिए। तो इसी वजह से मैं हाँ आधी कप ही चाय ले लूँगी। और ये देखिए सैंडविच भी रेडी हो चुका है। इस तरह से कटिंग करने से ना देखने में बहुत अच्छी लगती है और बच्चे ना बहुत इन्जॉय के साथ खाते भी हैं, है ना। तो ये देखिए, इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल, छोटे छोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं, जैसे चाहो आप। स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इधर मेरी चाय जो है आधी मैंने पकने के लिए चढ़ा दी है, और उधर मैं जाऊँगी अभी अपने बेटे को चेक करूँगी वो कितना रेडी हुआ है कितना नहीं। तो बीच बीच में मैं कैमरा यहीं पर रख के मैं भाग के दौड़ के चेक करती रहती हूँ कि बेटा मेरा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। मैं बस घर ही देखती रहती हूँ कि उसके स्कूल का टाइम तो नहीं हो गया, ज़्यादा तो नहीं टाइम हो गया, बस यही सब मेरा चलता रहता है, ये मॉर्निंग का मेरा ऐसा रूटीन। और अभी जो है बच्चे की फिर से एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो 15 तारीख से उसकी फिर से मतलब कंटिन्यू रहेगी एग्ज़ाम, तो 10 डेज़ के करीब ऐसे ही चलते रहेगा उसका एग्ज़ाम। अभी लेट है फ़िलहाल, तो इस तरह से देखिए मैंने टिफ़िन में सजाकर अच्छे से सजाकर इसको रख दिया है। देखते हैं पूरे टिफ़िन आज फिनिश करके वो आता है कि नहीं आता है। होप सो वो आ जाएगा फिनिश करके। और मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी चाय की खुशबू आ रही है, और ये देखिए पीने में भी बहुत मस्त लगेगा। और ये देखिए उसके स्कूल का टाइम हो चुका है, अब वो निकल रहा है अपने स्कूल के लिए, और जाते जाते कुछ ना कुछ उसका पेंडिंग रह ही जाता है, जैसे शर्ट बनाना हो गया, मोज़े वगैरह ये सब। तो नहीं भी पहन के जाता तो कोई बात नहीं, एक्चुअली सर्दियाँ इतनी है कि स्वेटर वो मैं अभी डाल दे रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में, थोड़ी बहुत ठंड रहती है, मतलब वैसी नहीं है कपकपी वाली, लेकिन है फिर भी। फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि बच्चे बच्चों को ना ठंड बिल्कुल भी ना लगे, वो ठंड से बचा रहे।
अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आफ्टरनून का है, जब हमारी लंच वगैरह हो चुकी थी, बच्चा स्कूल से भी आ चुका था, तो थोड़ा सा मन किया कि धूप सेक के आए, तो हम लोग फिफ्थ फ्लोर पे जा रहे हैं और सीढ़ी से ही हम लोग जाएंगे। तो बीच बीच में हम लोग ऐसे ही करते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं अपने बेटे के साथ। मैं अपनी सीढ़ी से ही जाती हूँ और इससे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाती है। और वैसे तो आउटडोर जाके, मतलब ऐसे वॉकिंग वगैरह का तो टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन हाँ कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके मैं लिफ्ट का यूज़ कम से कम करूँ और फिफ्थ फ्लोर तक मैं ऐसे वॉक करते करते ही जाऊँ। और मेरा बेटा तो बहुत ही एंजॉय करता है ये सब चीज़ों को, तो उसको लिफ्ट से जाना पसंद नहीं है, उसको ऐसे ही सीढ़ियों से ही जाना पसंद आता है। तो ये देखिए वो मुझे कह रहा है मम्मा जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन मैं तो जल्दी जल्दी जा ही नहीं सकती, मैं तो मतलब आप जाती हूँ फिफ्थ फ्लोर तक जाते जाते, लेकिन हाँ मैं चली गई। मैं खुद को भी चेक करती रहती हूँ बीच में कि बीच बीच में मेरी फिटनेस कितनी है नहीं है। तो ये देखिए बातें करते करते हम लोग पहुँच ही गए हैं। और इस तरह से देखिए इसकी मस्ती वगैरह ऐसे ही चल रही है, और ये कुछ देर तक खेलेगा और मैं ऐसे ही वॉक करूँगी छत के ऊपर। और ये रही मेरी आज की छोटी सी व्लॉग, कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और इंतज़ार करना मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, जल्दी मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना, तब तक के लिए आप अपना मेरा ये व्लॉग कंटिन्यू देखते जाइए आगे। थैंक यू, बाय बाय।